रामायण से और सुने। ये गाना राम वनवास के बारे में है, बड़ा बढ़िया भाव मिला। और एक चौपाई है, उसी चौपाई पर यह गाना आधारित है। राम लखन सिया बिन पग पनही, धर्मुनि भेष घुमही बन बनही। यही चौपाई पर ये गाना आधारित है, शहर के अंदर भाव मिले। वाह। भेष बना के तब सीका जब चले राम बनवासी, हाथ माथ पर रख कौ कौ छाती पीतर है मघवासी। सजल नयन एक टक सब ताके, हरि सूरत पर अनुरागे, दुखित हृदय श्री राम चंद्र से पुनि पुनि पूछन लागे। भाव उस समय कहे जिसमें भगवान राम को वनवास और भरत जी को राजगद्दी मिला। राजा दशरथ ने कैकेयी के मांगने पर यह फैसला किया, निर्णय दिए। कैकेयी ने मांगन मांगी थी कि मेरे पुत्र को राजगद्दी और भगवान राम को वनवास मिले। भगवान राम को जब वनवास मिल गया तो भगवान राम वन को जाने लगे, लेकिन वहां के पशु पंछी आपस में बात विचार करते हुए सोच रहे हैं कि ये राजा दशरथ ने क्या फैसला लिया। ये नहीं होना चाहिए कि बड़े लड़के को वनवास और छोटे लड़के भरत जी को राजगद्दी मिले, ये कहां का नियम है। लेकिन लोग सोच रहे हैं और भाव मिलल। बतावा बबुई राम कहिया ले आई है, बतावा बबुई राम कहिया ले आई है, बतावा बबुई राम कहिया ले आई है। वहां के नर नारी पशु पंछी जब देख रहे हैं कि भगवान राम और साथ में सीता जी एवं भाई लक्ष्मण बन को जा रहे हैं, तो कहे क्या, अनुपम अनोखी धरतिया बना के, अनुपम अनोखी धरतिया बना के, कैसे बिसरी है पीरितिया लगा के, कैसे बिसरी है। बतावा बबुई, बतावा बबुई राम कहिया ले आई है, बतावा बबुई राम कहिया ले आई है, बतावा बबुई राम कहिया ले आई है। जब लोगों का निगाह सीता जी की ओर जाता है तो सोच रहे हैं कि बिचारी सीता ने क्या बिगाड़ की थी। मान लीजिए कि भगवान राम और लक्ष्मण बन को जा रहे हैं, लेकिन इस सुकुमारी और भोली सीता को क्यों राजा ने घर से बाहर निकाल दिया। यह कार्य ठीक नहीं है, भगवान कम से कम भगवान को तो सोचना चाहिए। और कहे क्या, सीता के अचरा में भरल कलेसावा, सीता के अचरा में भरल
बतावा बबुई राम कहिया ले आई है, बतावा बबुई राम कहिया ले आई है, बतावा बबुई राम कहिया ले आई है। जब भरत जी ननिहाल से आते हैं, पता चल गया कि मेरी माँ ने ऐसा मांगन मांगी कि मुझे राजगद्दी और बड़े भैया राम को वनवास मिला, तो सोचने लगे कि माँ ने बहुत गलत फैसला लिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि भैया को वनवास मिले। तुरंत जो है राजगद्दी का त्याग किए और वन का रास्ता लिए। सोचे कि मैं भैया को जब तक वापस नहीं लेकर आऊंगा तब तक मुझे चैन नहीं है। जब भगवान राम को खोजते हुए भरत जी वन की ओर चले और भगवान राम भी संयोग की बात है कि भरत जी से मिल गए, तो भरत जी कहने लगे कि भैया तेरी के अंदर भाव मिलल। अवधक फूलवरिया रोवे, अवधक अवधक फूलवरिया रोवे, कहने लगे कि भैया आप वन को न जाए, वापस चलिए, मैं जो है राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। भगवान कहने लगे कि भैया आपको राजगद्दी मिली है, मुझे वनवास मिला है, आप जाकर प्रेम से राजगद्दी पर बैठें, राज करें। लेकिन भरत जी नहीं मानते हैं। यहां एक तर्ज मिलल, तर्ज का बोलबा मास्टर, भोजपुरी तर्ज है, गिर गिर जाला नार बुनवा, गिर गिर जाला नार बुनवा, गिर गिर जाला नार बुनवा, गिर गिर जाला नार और आगे बात मिलल बा कि कितनो आए कितनो सताई सटत नहीं बुनावा, होता बड़ा आया गुनावा, हो रामा होता बड़ा आया गुनावा, हो रामा होता बड़ा आया गुनावा, ई बुनावा ता खुनावा करावे
जी कहते हैं कि भैया आप वापस चलें, भाव मिलल बही बही जाला ना रसिया बही बही जाला ना भैया माना आज मोरी बतिया हो असिया बही बही जाला ना भैया माना आज मोरी बतिया हो कि पिता बचनवा पसय बलई है धर जिया ना धीर हो रामा धर जिया ना धीर हो रामा धर जिया ना धीर माता बचनिया पसलई है अरे उठा कर जाओ पीर हो असिया बही बही जाला ना डोले डोले ना पेड़वन का पतिया हो असिया बही बही जाले ना डोले ना पेड़वन का पतिया हो असिया बही बही जाले ना डोले ना पेड़वन का पतिया हो असिया बही बही जाले ना। प्रमाण देने लगे भरत जी कि भैया आपके बिना एक भी पत्ते भी नहीं डोल रहे हैं, कोई पेड़ के पत्ते भी नहीं डोल रहे हैं। लेकिन भगवान कहने लगे कि भैया पिता का आज्ञा है, पिता की आज्ञा का पालन करना हम सबका परम कर्तव्य उद्देश्य होता है। प्रमाण आल्हा के अंदर मिलेल वाह राम का भरत धई के रोया कवारिया हाय अरे लौट चला घरावा के आज मोर भाया माई हो कलंकी आज दगिया लगवली अरे दहली बियोगिया जवानिया बनाया आओ भरत का नया नवा निहारे लगल रघुबरा असिया के पोछल लागे हाथावा उठाया मान जैबे भैया भरत हमरो कहनावा हमहू के नर लीला लेवे दा दिखाया और गैया कि नैया हो धरती चिघारे धरती के पाप सब लेवे दा मिटाया के खड़ा हुआ तब लौटे भरत जी अब पहुंचे नंदी ग्राम को सुना हो मन लाया। प्रेमियों भगवान जो है बहुत अच्छी तरह से समझाए कि भैया पिता का आज्ञा है और पिता के आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य है, आप प्रेम से जाएं, यहां से वापस जाएं, राजगद्दी करें। वही भगवान राम के खड़ाऊ लेके भरत जी लौटे और वही जो है राजगद्दी पर खड़ाऊ रख दिए कि मैं जो है राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, ये भैया का खड़ाऊ है और यही राज करेगा। भरत जी सोचने लगे और भगवान राम जो है वन को चल दिए। ये माया भगवान की है। भगवान एक बात कहा गया है कि जब जब हो ये धर्म का हानि बाढ़ है देव असुर अभिमानी, तो भगवान जो है पृथ्वी का भार जो है पापियों का नाश करने के लिए जन्म लिए थे। ओ गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल जी गाई
स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि बचल से प्रेम लगाई अरे अवध का फूल वरी आरवा अवध का फूल वरी आरवा।